हेलो विपिन, आज हम चल रहे हैं लेहड़ा मंदिर और देखते हैं कि लेहड़ा मंदिर नवरात्र में जो सज रहा है कैसी क्या तैयारी है और क्या क्या जानकारी आपको होनी चाहिए लेहड़ा मंदिर अगर आप जा रहे हैं तो कुछ जानकारी और कुछ सावधानियां आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाले इस वीडियो में। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। आज हम आपको लेहड़ा मंदिर दिखा रहे हैं कैसे सज चुका है नवरात्र में, स्पेशल सज चुका है और लोगों के लिए यहाँ तैयारी जोरों पर है भक्तों के लिए। तो देखिए ये मंदिर का फ्रंट व्यू है, यहाँ पर तैयारी चल रही है अभी इसको नवरात्र जो 25 तारीख से शाम से लोग यहाँ आना चालू हो जाएंगे रविवार से। और ये यहाँ पे देखिए इस तरह से साफ़ सफाई और व्यवस्थाएं चरम पे हैं यहाँ पे कि भक्तों को किसी तरह का कोई कष्ट ना हो। तो आज हम पूरा डिटेल देने वाले हैं इस वीडियो में। लेहड़ा मंदिर जा रहे हैं तो क्या क्या किन सावधानियों का कहाँ पर क्या पूजा करें क्या करें। चलिए देखिए आप जैसे ही लेहड़ा मंदिर आएंगे तो ये फ्रंट भी हो गेट का है, यहाँ पर आपको हो सकता है नवरात्र में काफ़ी भीड़ मिले तो आपको भीड़ में लाइन लगा के ही जाना चाहिए आराम से। और ख़ास करके आपको जो प्रसाद लेना है वो मंदिर के बाहर ही दुकानों पे अपना आप प्रसाद लेंगे तो वहीं पे अपना सारा सामान रख सकते हैं, गाड़ी लगा सकते हैं या पार्किंग में लगा सकते हैं। तो ये मंदिर का मुख्य द्वार देखिए यहाँ से गुजरा है क्योंकि वीडियो लेना यहाँ सख्त मना है तो किसी तरह से यहाँ पर वीडियो बनाया जा रहा है। देखिए यहाँ पर नारियल फोड़ा जाता है, यहीं पर चढ़ाया जाता है नारियल और यहीं पर चढ़ाइए, इधर उधर ना फोड़िए। यहाँ अगरबत्ती और कपूर जलाया जाता है, यहाँ पर ही अगरबत्ती और कपूर जलाइए। काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएँ यहाँ पर, पुरोहित हैं अच्छे से, कुछ यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर हैं। देखिए हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति है यहाँ पे और यहाँ मूर्ति के बगल से एक गेट है जो आप बाहर का दृश्य देख सकते हैं नदी का, जो काफ़ी यहीं पे नैया वाली मैया प्रकट हुई थी, नई नाय पे ही प्रकट हुई थी। इसकी पूरी कहानी का एक पूरा पूर्ण वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मंदिर का मेन मंदिर का फ्रंट व्यू है, पीछे का व्यू है, फ्रंट से पीछे का। यहाँ देखिए आज शक्ति माता का मूर्ति है छोटा सा। और यहाँ पर देखिए हम लोग पीछे के हिस्से में आते हैं, यहाँ पे गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, माँ सरस्वती हैं और श्री भैरव मंदिर है। लास्ट में यहाँ निकलते वक्त आपको भैरव जी का दर्शन जरूर करना चाहिए। और यहाँ पे आप धागा बांध सकते हैं जो आपका रक्षा सूत्र मिलता है और बाहर जाने का रास्ता यहीं से है। और यहीं पे जस्ट संतोषी माता का मंदिर है, एक बेहतरीन मंदिर है जो आपको इस समय खाली दिख रहा है। यहाँ पे पुरोहित लोग रहेंगे, काफ़ी भीड़ भाड़ रहेगा। नैया वाली मैया का जो असली रूप है ये उसका मूर्त रूप बनाया गया है यहाँ पर। और ये काली माता समय माता मंदिर है, काफ़ी भीड़ रहता है नवरात्र में, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है लेकिन ये साइड में जो है यहाँ पे समय माता काली माता मंदिर का माता जी का मंदिर है। यहाँ पे भी ज़रूर आइए, पीछे नदी का व्यू देखिए काफ़ी अच्छा है यहाँ से। और फिर हम देखिए बाहर निकलते हैं और यहाँ सबसे पहले बता दें कि आपको मोबाइल थोड़ा सावधानी लेके ही चलना चाहिए, यहाँ पर फ़ोटो खींचना थोड़ा दिक्कत हो सकता है, मोबाइल वाइल अच्छे से रखें। यहाँ बालाजी का मंदिर है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ही सिंदूर चढ़ाएँ। यहाँ आद्रवन लड़ा माली माता का दुर्गा माता जी का मूर्त रूप है, यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है। और यहाँ पर जो है मेन काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये फ़ोटो वोटो खिंचा सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे फ़ोटो ले सकते हैं और फ़ोटो ज़रूर यहाँ ही चाहिए, यहाँ अच्छा व्यू आता है फ़ोटो का, काफ़ी अच्छा लोकेशन है ये। श्री राम प्रभु हनुमान जी का और लेहड़ा वाली नैया वाली मैया का मूर्त रूप है यहाँ पे। देखिए मैं भी फ़ोटो यहाँ ही ले रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ एक माता जी भी हैं, फ़ोटो वोटो खिंचा रहे हैं। तो यहाँ काफ़ी अच्छा जगह है, यहाँ पर अच्छा लोकेशन है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ ये मंदिर पर पूरी तैयारी हो चुकी है नवरात्र में, 25 तारीख से रात में यहाँ भक्त आने वाले हैं। तो अपने सामान की सुरक्षा स्वयं, अगर वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनों में जिससे लोगों को आराम से जानकारी मिल जाए। और इस चैनल को जरूर फ्री में सब्सक्राइब करें जिसका कोई चार्ज नहीं लगता। इसी के साथ जय माता दी, आपका दिन आपका समय मंगलमय हो। जय आद्रवन लेहड़ा वाली माता।